करण देवल और दृश्या की शादी हो गई है, यानी कि सनी देवल के बेटे की शादी हो ही गई है। 18 जून को उनकी शादी थी, उससे पहले सारे फंक्शंस काफ़ी दमदार अंदाज में मनाया गया। जी हाँ, घर पे बहुत सारे लोग आए थे और इसी बीच शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में भी बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन इसी बीच सनी देवल ने अपनी बहू का यानी कि दृश्या का फैमिली में किस अंदाज में स्वागत किया है बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको JBT एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट JBT एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। जैसे कि हमने बताया आपको कि करण देवल की शादी आखिरकार हो ही गई दृश्या के साथ, और सोशल मीडिया पर ये दोनों संडे को पूरी तरह से छाए हुए थे। इसी बीच रिसेप्शन पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे। रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान, जेके श्रॉफ, कपिल शर्मा अपनी वाइफ के साथ आए थे, आमिर खान, पूनम ढिल्लो और ऐसे ही बहुत सारे कलाकार आए थे और सब ने बहुत इंजॉय किया। इसी बीच रणवीर सिंह ने तो सबको नचा ही दिया। जी हाँ, रणवीर सिंह जहाँ हो वहाँ पे मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सनी देवल के साथ रणवीर सिंह ने खूब डांस भी किया। तो इसी बीच एक बात ये भी बता दें कि जैसे ही बहू ने घर में एंट्री ली तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सनी देवल ने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट डाला है अपनी बहू दृश्या के लिए। उनका कहना है कि आज मुझे एक खूबसूरत बेटी मिल गई है, मेरे बच्चों तुम्हें आशीर्वाद, भगवान कृपा करे। इतना ही नहीं, करण के चाचा यानी कि बॉबी देवल ने भी प्यारा सा नोट लिखकर दृश्या का देवल खानदान में स्वागत किया है। अब हमारे परिवार में एक बेटी होने का सौभाग्य मिला, भगवान की कृपा आप दोनों पर बने रहे। इस पोस्ट पर रणवीर सिंह, पूनम ढिल्लो सहित कई सितारों ने बधाइयां भी दी हैं। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस जोड़ी को लोग बहुत ही प्यार कर रहे हैं। और जैसे कि रिसेप्शन पार्टी में बताया कि बहुत सारे स्टार्स आए, उन पर प्यार बरसा रहे, तो इसी बीच सोशल मीडिया पर ये पोस्ट, सनी देवल और बॉबी देवल का ये पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है। और दोनों बेहद खुश है कि उनके घर में आखिरकार एक बेटी आई है, भले ही बहू के रूप में आई लेकिन बेटी आई है। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए JBT एंटरटेनमेंट चैनल।